નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝમાં હું કૃષ્ણા આપનું સ્વાગત કરું છું. 2019ની ચૂંટણી આવી રહી છે અને 2019ની ચૂંટણીને 11 મહિનાની વાર છે ત્યારે નિજેટલી સરકાર દ્વારા એક મહત્વનું આર્થિક વિશ્લેષણ અને બજેટ રજૂ થયું. આ બજેટમાં સરકારે અનેક જોગવાઈઓ કરી છે અને અત્યારે આપણે વાત કરીશું આ બજેટની કેટલીક મહત્વની જોગવાઈઓ વિશે. સ્વાભાવિક છે કે આ બજેટ ચૂંટણી લક્ષી હોય અને જીએસટી બાદનું પ્રથમ બજેટ હોવાથી તેનું મહત્વ અનેક ગણું વધી જાય છે. તો આજે આપણે વાત કરીશું બજેટની કેટલીક મહત્વની જોગવાઈઓ વિશે, સરકારની અત્યાર સુધીની આર્થિક નીતિ અને તેની અસરો વિશે. તો આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે સીએ અને અર્થશાસ્ત્રી એમ આર વેંકટેશ. જી સર, આપકા ઇસ શો મેં સ્વાગત હૈ. જી સર, સબસે પહેલા ક્વેશ્ચન મેં એ પૂછુંગી કે 2019 કી જો ઇલેક્શન હૈ વો આ રહી હૈ, સિર્ફ 11 મહિને કી બાર હૈ, ઠીક હૈ, ઓર અભી જો બજેટ રજૂ હુઆ હૈ 2014 કે પહેલે જેટલી ને કાફી સારે વાયદે કિયે થે, વાદે કિયે થે કે જો ટેક્સેબલ ઇનકમ હૈ વો 2 લાખ સે 5 લાખ તક કી કર દેની ચાહીએ, ઓર અભી પોપ્યુલિસ્ટ બજેટ હોને વાલા હૈ યે, બટ ઓબવિયસ હૈ ક્યુંકી 2019 કી ઇલેક્શન આ રહી હૈ તો બહોત એક બડા વર્ગ હૈ જિસકો લુભાના હૈ, બટ યંગ મિડલ ક્લાસ કે લિયે ઇસ બજેટ મેં ક્યા હૈ, ક્યુંકી જો સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન હૈ વો 40,000 કા કર દિયા ગયા હૈ ઓર ઇવેન્ચ્યુઅલી 5,800 કા ઇસકા બેનિફિટ મિલેગા, તો વાસ્તવ મેં યંગ મિડલ ક્લાસ હૈ ઉસકે લિયે ક્યા હૈ ઇસ બજેટ મેં. मैं एक क्षमा याचिका करता हूं कि मैं आपकी मधुर भाषा गुजराती में बोल नहीं पाऊंगा, मैं हिंदी और अंग्रेजी में बोलूंगा. एक प्रश्न जो आप कर रही हैं, ये स्वाभाविक है कि हर एक बजट के बाद हर एक आम नागरिक यही पूछता है कि बजट में मेरे लिए क्या है. मैं इसका जवाब दो तरह से देना चाहता हूं. एक तो है कि अगर आप बजट की मोल तोल अगर आप एक ही मापदंड में करेंगे कि बजट में कितना टैक्स छूट मिल रहा है, उससे अगर हम बजट की एक रेटिंग करें तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत होगा. बजट एक सरकार की एक आर्थिक और हिसाब किताब, आर्थिक विशेष और आर्थिक नीतियों का और उनकी हिसाब किताब का एक सम्मिश्रण है. अगर हम नीतियों पर जोर नहीं दें या उनके गणित पर जोर नहीं दें और सिर्फ ये देखें कि हमारे लिए इस बजट में कितना टैक्स छूट मिल रहा है, वो भी डायरेक्ट टैक्स छूट, इससे शायद हम ये जो तर्क है इसको हम बहुत ही नैरो कर रहे हैं. लेकिन बजट में बहुत कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो आज के लिए नहीं, कभी 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 बोला जाता है कि 30 साल तक इसका प्रभाव हो सकता है. जैसे कि इस बार बजट में जो स्कीम लाया गया है हेल्थ केयर, ये आज के लिए नहीं है. मैं ये नहीं मानकर पकड़कर चल रहा हूं कि ये अगले इलेक्शन के लिए भी प्रभाव पड़ेगा. शायद इसका प्रभाव हमारे बच्चे जब हमारे एज के होंगे तब उनको पता चलेगा कि एक दिन मोदी सरकार ने ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर लाया था, तब उसके कारण आज हमारे देश में स्वास्थ्य का जो कुछ भी प्रभाव है वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रूप से बदल गया है. सो टू रिड्यूस बजट टू ओनली वन यार्ड स्टिक इन माई ओपिनियन वुड बी अ वेरी डू वायलेंस टू द एंटायर एनालिसिस ऑफ बजट. मिस्टर वेंकटेश, इस जो बजट आया है वो रूरल सेक्टर को, खास करके एग्रो बिजनेस को ध्यान में रख के भी किया गया है. तो 70% पॉपुलेशन जो अभी भी फार्मिंग पर डिपेंडेंट है, तो इसमें जैसे सरकार ने बोला है कि एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो इंक्रीज की जाएगी, वो बढ़ाई जाएगी, ताकि इससे जो क्या होगा कि इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उसका दर बढ़ेगा और फाइनली फिस्कल डेफिसिट पर भी इसका असर पड़ेगा. तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, एमएसपी जो है, पिछली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार ने एमएसपी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और उनका यह सोच था कि अगर हम एमएसपी बढ़ाते चले जाएंगे तो रूरल सेक्टर में पैसा आएगी और रूरल सेक्टर सुरक्षित होगी और उनका आर्थिक डेवलपमेंट होगा. लेकिन हुआ तो ऐसा नहीं. लेकिन इस सरकार जब आई थी, इन्होंने भी एमएसपी थोड़ी बढ़ाई थी लेकिन कम मात्रा में बढ़ाई थी. जगह जब मनमोहन सरकार 10-12% की बात कर रही थी, ये 5-6% की बात कर रहे थे एमएसपी में. और एमएसपी जितने बढ़ रही थी तो 5-6% की बढ़ रही थी. लेकिन अभी ये मांग आया है कि हमको 10-15-20% की बढ़ोतरी हो या हमारा जो कॉस्ट है उसके ऊपर और 50% मिल जाए तो ठीक है. तो ये कॉस्ट कौन निर्णय करेगा? ये नीति आयोग,
हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों मिलकर अभी बैठकर 23 या 24 खाद्यान्न को डिटरमाइन करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासन की बात है, लेकिन मूलतः ये बात है कि इसका लाभ किसको मिलेगा। 86% ऑफ आवर फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जिसके पास इतना सरप्लस फूड ग्रेन नहीं है जो बेच सके, मार्केट में जाकर बेच सके। तो जब खाद्यान्न नहीं है, जो अगर आप उसको 1000 रुपया में मूल आप तय करें या 2000 रुपया में मूल तय करें, तो इसमें उनका कोई लाभ हो या हानि हो ऐसा कुछ मैं देख नहीं पा रहा हूं। और खासकर पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, वही जो MSP पर बहुत ही ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके पास ही सरप्लस होती है। जैसे कि मेरे स्टेट है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, उड़ीसा, यहां सबके जो किसान हैं उनके पास इतना सरप्लस नहीं है, इतना एक्स्ट्रा नहीं है जो फार्म वो अपने घर के लिए रखे और बाकी जाकर गांव में या कोई शहर में कोई मार्केट पे जाकर बेचे, उतना उनके पास सरप्लस नहीं है। तो 70% ऑफ द फार्मर्स उनको ये उनके लिए ही तय हो जाता है, और 86% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। तो ये फार्मर्स जो हैं शायद पंजाब के और हरियाणा के ही इसमें लाभ उठा सकते हैं, और सरकार को इस पर और एक बार सोचनी पड़ेगी कि क्या हम इससे सारे से सारे के सारे फार्मर को हम लाभ पहुंचाएंगे, या और एक सोच है कि क्या हम पानी सब्सिडाइज करें, बिजली सब्सिडाइज करें, फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज करें, पेस्टिसाइड को सब्सिडाइज करें, क्रेडिट को सब्सिडाइज करें। यानी कि ये तर्क तो होते ही चल रहा है कि अगर हम इनपुट सब्सिडी दें या आउटपुट सब्सिडी दें। अगर इनपुट सब्सिडी दें तो कैसी करें, आउटपुट सब्सिडी दें तो MSP करें, MSP करेंगे तो भाव बढ़ती है और मुद्रास्फीति की भी बढ़ने की एक आशंका है। लेकिन अगर हम इनपुट सब्सिडी करते रहें, अगर हम इनपुट सब्सिडी देते रहें तो शायद ये बेहतर होगा। सरकार इसको भी सोचना चाहिए कि क्या वो ये तो पॉपुलिस्ट है, MSP बढ़ाना बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही लगता है कि हेडलाइन बन जाएगा, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन पे भी उसका असर हो सकता है। जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि MSP बढ़ाना है, और साथ साथ जब अभी फार्मिंग के लोन वेवर्स के भी मुद्दे आ रहे हैं तभी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर अगर हम राजकोषीय जो घाटा है उसकी बात करें, फिस्कल डेफिसिट, तो लास्ट ईयर था उसमें 3.3 का जो टारगेट रखा गया था वो सरकार टारगेट वो पहुंच नहीं पाई, और इस बार इसीलिए वो बढ़ाकर 3.5 कर दिया गया है। क्या आपको लगता है क्योंकि एक तरफ सरकार के पास ये बर्डन है कि उनको जॉब्स क्रिएट करने हैं, एम्प्लॉयमेंट करना है, हर साल 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने का वादा किया है, दूसरी तरफ सरकारी कर्जा भी बढ़ेगा, तो मुद्रास्फीति जो ये फिस्कल डेफिसिट है राजकोषीय घाटा उसका जो टारगेट क्रिएट किया गया है 3.5% का, आपको लगता है वो पहुंच पाएंगे? देखिए 3.3 3.5 सब शायद डिबेट के लिए बेहतर होगा, लेकिन 3.3 और 3.5 में आपको क्या अंतर दिखाई देगी या फर्क पड़ेगा सामान्य जीवन पर, ये तो पढ़ने वाला नहीं है। जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तो हमारा फिस्कल घाटा फिस्कल डेफिसिट 6% तक था, तो कुछ नहीं हुआ, देश तो सुरक्षित ही था। तो ये एक मानकर चढ़ना कि ये 3.3 से 3 होना है, 3 से 2.5 होना है, ये एक फंडामेंटलिस्ट इकोनॉमिक्स है, इसमें ज्यादा जोर देने की आवश्यक नहीं है। हाँ फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा बेहतर है, उससे भी अच्छा एक मापदंड है राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो ले आ जाएंगे तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट क्यों नहीं आ रहा है काबू में, इसका कारण सरकार की जो खर्चे हैं इतनी ज्यादा होती जा रही है, फिजूल के खर्चे, इसको कम करने की किसी भी सरकार की क्षमता नहीं रहती कि हम सरकार को हम एक नियंत्रण में लाएं, सरकार की खर्चे को नियंत्रण में लाएं और इसको कम करते जाएं। सरकार बचत और खर्चों की कम करने की बातें 10-15 साल पहले छोड़ चुकी है, यह बहुत ही अफसोस की बात है। जब तक आप सरकार की खर्चे को कम नहीं करेंगे देश की बचत नहीं हो सकती है।
आपने जैसे बताया कि पहले की सरकार में भी जो राजकोषीय घाटा था वो 6% तक रहा था, लेकिन अभी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उन्होंने बताया है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ती रहेगी, सरकारी कर्जा बढ़ता रहेगा, तो आपका जो डाउन ग्रेड कर देंगे हम, आपका जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउन ग्रेड कर देंगे। फिच, स्टैंडर्ड पुअर एंड क्रिसिल ने भी ये दिखाया है कि हम आपका ये कर देंगे। और FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारी सरकार जब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है और आकर्षित कर रही है, तब अगर ये डाउनग्रेड होगा हमारा क्रेडिट रेटिंग, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सरकार के सामने दो विकल्प है, एक निजी निवेश को बढ़ावा दे या अपना निवेश ज्यादा करते रहे। अगर अपना निवेश ज्यादा करना पड़ेगा तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा बढ़ेगा। निजी निवेश क्यों नहीं हो रहा है? निजी निवेश बहुत सारे कारण के लिए नहीं हो रहा है, जैसे कि GST हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद उसके पहले जो माहौल बनकर गया था, पिछले सरकार ने जो माहौल बनाकर छोड़ी थी, उसके कारण निवेश नहीं हो रहा था। सो निजी निवेश इतना टाइट हो गया है कि आज बिल्कुल ही वो बोली नहीं जाती है, किसी के साथ किसी के द्वारा चर्चा नहीं हो रही है। तो एक ही राह है, सरकार को काम दिलाना है, सरकार को अपना टैक्स बढ़ाना है, सरकार को इतना वेलफेयर प्रोग्राम करनी है, तो कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार क्या कर रही है? अपना पैसा लगा रही है किसी प्रोजेक्ट में, तो जब प्रोजेक्ट में लगा रही है तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा ही। सो रेटिंग एजेंसी ये समझ सकते हैं कि सरकार निवेश करने में आज की माहौल में बाध्य है, तो इस कारण वो समझ सकती है कि सरकार जो कर रही है वो सही कदम कर रही है। लेकिन मेरा एक और एक पहलू है जो शायद आप लोग इससे वाकिफ नहीं है। सरकार की खर्चे में अगर आप पिछले 3 साल में देखेंगी तो 1,50,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ MNREGA में खर्चा हुआ है, कितने हजार करोड़ अपने स्मार्ट सिटी में हुए हैं, ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग में 75,000 करोड़ तक खर्चा हुई है। लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम सरकार तो पैसा दे सकती है, लेकिन हर एक विभाग और प्रशासन उसको सही रूप से जाकर खर्चा करने की एक उनपे एक दायित्व है, लेकिन कहाँ खर्चा हो रहा है? कई आप गुजरात के हैं, मैं तमिलनाडु में हूँ, आज मैं दिल्ली में हूँ, कहीं भी मैं एक देख नहीं पा रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी कहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन हजारों को डूब चुकी है। कहीं मैं देख रहा हूँ, कई गांवों में जाकर देख रहा हूँ कि कहाँ हुई है ये जो लोकस्ट हाउसिंग, कहाँ हुई है नमामि गंगे की प्रोजेक्ट की शुरुआत, कहाँ हुई है अपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, कहाँ से सड़क बनी है, यानी कि जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, कहीं भी जाइए कहीं भी देखिए कि डिलीवरी मैकेनिज्म और इनकी बोलनी में, सरकार की एक बोलनी होती है बजट, और करनी है तो प्रशासन को करनी है, इसमें काफी अंतर आ रहा है। इस कारण एक माहौसी का माहौल पैदा होता चला जा रहा है। जी, रूरल सेक्टर के अलावा अगर हम बात करें तो इस सरकार ने हेल्थ पर भी काफी बातें की है और बताया है कि विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा भी पहले की अगर बातें करें तो सरकार ने काफी बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च की थी, मेक इन इंडिया एंड मेकअप स्टैंडअप इंडिया, ये काफी बड़ी बड़ी स्कीम्स उन्होंने बताई थी, लेकिन वॉट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन? जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक ये जो स्कीम्स है वो ऑन पेपर ही रह जाएगी। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो, अगर शून्य से आप किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य ही होगा। प्रशासन में आज तक प्रशासन का सुधार अभी तक हुआ ही नहीं है। कहीं भी आप देखिए कि सरकार के पास जो हम बाबूडम बोलते हैं, बाबूडम इतना करोडेड है, इतना उसमें क्षमताहीन है कि किसी भी स्कीम सरकार तो अनाउंस कर सकती है, सरकार पैसा दिलवा सकती है, सरकार टैक्स बढ़ा सकती है, सरकार लोन ले सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोन ले सकती है, निवेश का माहौल बना सकती है, लेकिन इस सब को कार्यकारिणी रूप देने का एक दायित्व बाबूडम पे है। लेकिन ये बाबूडम की कोई सुधार की कोई बात नहीं कर रही है, खास तौर कर मोदी जी की सरकार, मेरे हिसाब से वो ज्यादातर बाबू पर, IAS ऑफिसर पर जोर दे रहे हैं। मैं एक आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। इस बजट में 25 लाख करोड़ की खर्चे की इन्होंने बात की है। मैं एक आपसे एक प्रस्ताव रखता हूं, अगर सरकार कहे कि हम 25 लाख करोड़ सिर्फ स्कूल में टॉयलेट बनाने की बात करें और किसी भी इश्यू पर हम खर्चा नहीं करते हैं, अगर हम सिर्फ
स्कूलों में टॉयलेट बनाने की बात करें, 10 साल के बाद भी हमारे पास स्कूल में टॉयलेट की अभाव होगी। ये कारण क्यों है कि बाबू लोग जो है अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेज देते हैं और सामान्य जो आम आदमी कहलाते हैं उनके बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं और उनके जो बच्चे की जो आवाज है सरकार तक पहुंचती नहीं है। अगर आप एक ही एक रूल बदल दे, कानून बदल दे कि हर एक बाबू जो सरकार से तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है, उसके बच्चों 10वीं तक सरकार स्कूल में ही जाए, ऐसा एक कानून ला देंगे तो बजट 10,000 करोड़ का बनाइए या 10 लाख करोड़ का बनाइए, आपको डिलीवरी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप बोले कि हर एक और आईएएस ऑफिसर निजी अस्पताल में नहीं जाए लेकिन सरकारी अस्पताल में जाने का उनका दायित्व उन पर थोप दिया जाए, उनको कहा जाएगा कि आप मैंडेटरीली यहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तो सरकारी हॉस्पिटल का रुख ही बदल जाएगा। लेकिन सरकार इसमें झिझकती है, हर एक सरकार, केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत ही इस पर उनको आईएएस लॉबी से बहुत ही डर है, तो उन्होंने इसके ऐसी जो सुधार लानी है हमारे प्रशासन पे वो नहीं ला रहे हैं। इस कारण क्या होता है, टैक्स तो बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन डिलीवरी नहीं होती है और लोगों का जो मायूसी है वो सरकार पर जाती है, प्रशासन पर नहीं जाती है और ये प्रशासन लोग जो करना चाहते हैं वही करते रहते हैं। इसका भारी मूल तक मोदी जी को चुकाना पड़ेगा अगर वो अभी भी सुधार नहीं लाए एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर। जी मिस्टर वेंकटेश, अगर हम बजट से हटकर थोड़ी बात करें तो सरकार की पहली की जो आर्थिक बोल्ड स्टेप्स लिए गए थे लाइक डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, नोटबंदी की अगर हम बात करें तो आरबीआई ने ये बताया कि 96% करेंसी वापस आ गई है, तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया गया, लेकिन जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे उनको इससे क्या नुकसान पहुंचा? वापस में जो ब्लैक मनी को हटाना था, करप्शन हटाना था, उस पर कोई इम्पैक्ट हुआ या नहीं? एक्चुअली 99% करेंसी वापस आ गए थे। ओके, नाउ सरकार ने एक बड़ी एक कदम उठाई थी जो शायद विश्व स्तर पर पिछले 30 साल पे कहीं भी उठाया नहीं गया था। और ये जब 40 करोड़ भारतीय नागरिक अपने पुराने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट जाकर जमा किए थे, वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम मोदी साहब के साथ खड़े हुए हैं, हम इस युद्ध पर मोदी जी का साथ देना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, इतना पैसा आया सरकार के बैंकों पे तो पूरा जो ब्लैक मनी था वो सरकार के अकाउंट में आ गई है। आपके अकाउंट में आई नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन सरकार के अकाउंट पे आ गई। तो सरकार को इतना पूछना था कि किसने कितना पैसा जमा किया है। पिछले साल 2017 में जब अरुण जी ने बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा कि 1.47 लाख पीपल यानी कि 1.5 लाख आदमियों ने तकरीबन 5 लाख करोड़ उन्होंने जमा किया था, यानी कि हम इस 1.5 लाख लोगों पर हम हमारा ध्यान केंद्रित रखेंगे और हम ये पूछताछ करेंगे कि क्या वो ब्लैक मनी रखे थे, क्या इनके पास कैसा आया, इतना नोट कहां से आ गया 5 लाख करोड़ इन्हीं 1.5 लाख पीपल के हाथ में। लेकिन इस बजट में उसका कोई ब्लैक मनी की कोई जिक्र नहीं हुई, डिमोनेटाइजेशन की कोई जिक्र नहीं हुआ, या कहीं इन्होंने ये बताया नहीं कि आम आदमी कितने परेशान थे, एटलीस्ट उनको क्या राहत मिलेगा। यानी कि डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद के जो किस्से थे शायद सरकार भूल चुकी है। और यही एक था कि उन्होंने एक लिप सर्विस दिया कि अरे आम आदमी अच्छी तरह से टैक्स पे कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, शाबाश बेटा और टैक्स पे करो। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ और स्कीम या कुछ और यानी कि कुछ और टैक्स बढ़ाने की बात या उनको और कुछ सलाह कुछ और बेनिफिट देने की बात उन्होंने नहीं की। जी, अगर डिमोनेटाइजेशन के अलावा अगर हम जीएसटी की बात करें तो वन नेशन वन टैक्स की बातें हो रही थी, लेकिन जीएसटी लागू करने के बाद दिसंबर में और जनवरी में 2 बार इसमें टैक्स स्लैब्स में चेंजेस करे गए। और अगर हम आरबीआई के पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन उसकी भी बात करें, उन्होंने बताया कि जीएसटी बहुत अच्छा कदम हो सकता था लेकिन गवर्नमेंट को इसको स्टेबलाइज करना चाहिए, बार बार अगर चेंजेस किए जा रही है तो ये फेल्यूर होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, रघुराम राजन जी अभी पावर में नहीं है, आरबीआई गवर्नर नहीं है, बहुत कुछ बोल सकते हैं,
एक अगर आप इतना बड़ा स्कीम ला रहे हैं, देश भर में एक स्कीम ला रहे हैं, एक एक देश एक टैक्स ला रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं तुरंत सुधार लाना उचित है, लोगों की बातें सुनना उचित है। अगर ये नहीं हुआ है तो वही रघुराम राजन जी बोलेंगे कि इतने लोग इतना सलाह दे रहे हैं, लागू होने के बाद इतना कष्ट उठाने के बाद, इतना एक्सपीरियंस के बाद, बैड एक्सपीरियंस के बाद, सरकार तो इनकी कुछ भी सुनती नहीं है, ये कैसी सरकार है। तो सरकार के साथ एक विडंबना है कि सुने तो भी उन पर कोई बोल देगा, ना सुने तो भी कोई बोल देगा। तो सरकार क्या कर रही है, एक सभी स्टेटों के वित्त मंत्री को बुलाती है, जीएसटी काउंसिल हर एक महीने उनकी बैठक होती है, और सारे देश के जो रिस्पॉन्सेस हैं उसके हिसाब से आगे पीछे हो रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जीएसटी का हमें प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन जब हो चुका है तो उसके लिए कम से कम 6 से 8 महीना आपके पास होना चाहिए। जो अभी आज अगर आप देखोगी, 6 महीना तो हो गया, 6-7 महीना हो गया है, तो आज जो जीएसटी में जितना भी आप प्रॉब्लम बोल रहे थे जुलाई में, आज तो नहीं, आज तो बहुत कम दिख रहा है। हाँ, और भी है, लेकिन आज भी बहुत कम दिख रहा है। लेकिन मूलतः बात यह रही कि प्रशासन में इतनी काबिलियत नहीं रही कि इतना बड़ा स्कीम वोट जाकर थोप दे। तो जीएसटी का एक 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 पहलू है कि प्रशासन पर ज्यादा विश्वास करना हमारे लिए हानिकारक नहीं हो सकता है, और अगर हानिकारक हो सकता है। और अगर आप देखें, जब स्वास्थ्य स्कीम आप ले जा रहे हो 50 करोड़ लोगों तक, इसका पार्ट अगर आप पीछे अपने अपने दिमाग में रख ले कि जीएसटी जैसे एक बड़ा कानून पर भी हमको प्रशासन पर निर्भर कर एक हानिकारक स्थिति पैदा हो गई है, इसी तरह हमें इसमें भी बहुत ही हानिकारक स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस पर अगर सरकार जोर दे, डिलीवरी पर जोर दे, एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर दे, पेन पॉइंट्स पर जोर दे, एंड इट विल फोकस ओनली ऑन इश्यूज दैट विल बेनिफिट द कॉमन मैन, आई थिंक द गवर्नमेंट विल डू बेटर। जी जी मिस्टर वेंकटेश, इसके अलावा भी सरकार के सामने काफी चैलेंजेस है। एक उसमें से बड़ा है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो काफी बढ़ती ही जा रही है, गवर्नमेंट स्टेप्स भी ले रही है उसके अगेंस्ट में, लेकिन अभी बोला गया कि जो स्ट्रगलिंग बैंक है उसको मर्ज किया जाएगा, और कुछ ऐसे बैंक है जो इनएक्टिव रही है पूरी, उसको बंद कर दिया जाएगा। तो इससे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पर क्या फर्क पड़ेगा, और जो बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी जो क्रम्बल हो रही है उस पर कोई वास्तव में असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, ये बैंक मर्ज कर देना या बैंक का नाम बदल देना या बैंक में कोई आप किसी ऑफिसर को प्रिवेंशन ऑफ करप्ट एक्शन एक्ट में गिरफ्तार कर देना, इससे समाधान नहीं होने वाली है। जो एनपीए है 10 से 15 लाख करोड़ की एनपीए की एक कोशी है, इसको आप बैड बैंक में जमा करवा देना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इसको पीना पड़ेगा, ये विष को किसी ना किसी को पीना पड़ेगा, ये तो सत्य है। लेकिन इस सत्य को कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, और ये चाहता है कि कहीं ना कहीं पेंटिंग कर दे बैलेंस शीट को, या यहां में वहां से कुछ इसका नाम बदल दे बैंकों का, या कहीं ना कहीं किसी की तबादली कर दे, इससे हमको लाभ हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है, आपको मैं इतना बता दूं, ये होने वाला नहीं है। ये जो जिस तरह से हम एनपीए की जो सुधार लाना चाहते हैं, बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार लाना चाहते हैं, और बैंकों की जो एनपीए है उस पर हम जोर देना चाहते हैं, ये सब मानते हैं कि इसको हमको कैसे ना कैसे इसका एक सुझाव निकालना पड़ेगा, लेकिन किसी के पास सुझाव नहीं है। वास्तविक में अर्थशास्त्री जो दिल्ली में बैठे हैं उनको पता भी नहीं चल रहा है कि इसका मूलतः कारण क्या है। मूलतः कारण ये है कि किसी को कभी कोर्ट ने स्टे दे दिया, कभी किसी को प्रोजेक्ट को एनजीओस ने कोई एजिटेशन कर दी तो प्रोजेक्ट बंद हो गया, कहीं ऐसा हुआ कि सरकार की नीतियों में इतनी बदलाव आई है कि एनपीए हो गया। तो और इसके अलावा और एक है, जो मूलतः जो प्रमोटर है वो तो विदेश चला गया, यहाँ के प्रोजेक्ट में लूट मार करके वो बाहर चला गया, जो लूट मार करके चला गया उसको हम छोड़ दें, जो प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं लेकिन चलाने के योग्य नहीं है, उसका कारण बहुत सारे कुछ ऐसे हैं, जैसे कि सरकार की नीतियां बदली या कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। तो इस पर हर एक प्रोजेक्ट के साथ
हमको बैंकों को बैठना चाहिए, प्रमोटर्स को बैठना चाहिए और सरकार को बैठना चाहिए। सरकार में दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बैठनी चाहिए और एक समाधान ढूंढना चाहिए। इसका एक कमिटी बननी चाहिए। जो एनसीएलटी बनी है, एनसीएलटी बनी है वो अच्छी है, लेकिन एनसीएलटी में एक आज 6-8 महीने के बाद एक जो हमें महसूस हो रही है उसमें ये एक पॉइंट आ रही है कि एनसीएलटी की काबिलियत इतनी रही कि जो 10-15 लाख करोड़ की एनपीए है उसको वो डील कर सके, उसमें एक क्षमता की एक अभाव है। सो टैलेंट डेफिसिट ऑफ द एनसीएलटी इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रक्चरल इश्यू टू डील विद द एनपीए प्रॉब्लम इज ऑल्सो टेलिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद एनपीएस। जी मिस्टर वेंकटेश, इसके अलावा अगर हम बात करें जो फार्म लोन वेविंग की, अभी बहुत सारी बातें हो रही है और फार्मर्स भी इसके अगेंस्ट में एजिटेशन कर रहे हैं कि हमको हमारी जो लोन है वो वेव कर देनी चाहिए, और यूपी सरकार की बात करें, महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो उन्होंने किया भी है ऐसा, तो ये जो फार्मिंग की फार्मर्स की लोन वेविंग का जो इश्यू है वो कितना फिजिबल है? देखिए, 2008 में चिदंबरम जी ने 72,000 करोड़ का लोन वेवर सेंट्रल गवर्नमेंट में किया था, आपको याद होगा। परिणाम क्या हुआ कि 2011 से फिर प्रॉब्लम शुरू हो गए और किसानों में उनमें क्षमता नहीं रही कि उनके जो ऋण है वो वापस कर सके, यानी कि 2-3 साल तक ये हो सकता है। कैंसर के लिए अगर आप बैंडेड लगाए तो यही परिणाम होगा। इसका मूल तक कोई जा नहीं पा रहा है, मूल तक कोई जाकर इसका सुधार लाने की क्षमता कोई नहीं रख रहा है। फार्मर्स को पानी चाहिए। जैसे कि मैं तमिलनाडु से आता हूं तो कुछ तथ्य अभी मैं अपना पीएचडी पर इसी पर किया है, तो जो भी फार्मर्स हैं उन्होंने ऋण की बात नहीं की, उन्होंने एमएसपी की बात नहीं की, वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, पानी चाहिए, मुझे क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट मुझे 8% में चाहिए, 10% में दीजिए, 12 तक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं 36% और 48% में मैं ब्याज ले रहा हूं तो मैं कैसा फार्मिंग करूंगा? मुझे मार्केट का एक्सेस चाहिए, मुझे मार्केट तक ले जाने के लिए रोड चाहिए, ये सब पूछ रहे हैं, वो ऋण की बात नहीं कर रहे हैं। हर एक किसान में इतना गर्व है, इतना फक्र है, वो बोलता है कि मुझे काम करने का वातावरण चाहिए, मैं काम करूंगा, 12 घंटे काम कर लेता हूं, मुझे पानी दे दीजिए, पानी है ही नहीं। हर एक जगह में देखिए तो सरकार कह रही है, इस बजट में भी कही है कि हमने 4 लाख कुएं और तालाब की हमने प्रावधान की है, लेकिन 4 लाख तो गुजरात में तो कम से कम 20,000 होंगे, तमिलनाडु में तो 20,000 होंगे। हमने तो कई एमएलए एमपी से संपर्क किया इसके बाद कि क्या भैया आपके क्षेत्र में कुछ हुआ है क्या कुछ सरकार तो कह दी है कि 4 लाख तालाबें उन्होंने बनवाई है। 4 लाख तालाब बनवाना उतना आसान काम नहीं है, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पानी जब नहीं है, कितना भी आप ऋण देंगे, कितना भी ऋण माफ करेंगे, कितना भी आप एमएसपी बढ़ाए देंगे, होने वाला कुछ नहीं है। मूलतः किसान फार्म क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो आज तक हम करने के लिए हम सोच भी नहीं रहे हैं, करने की बातें भी नहीं कर रहे हैं, यही हमारी एक बड़ी दुर्दशा है। जी मिस्टर वेंकटेश, तो आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने मंतव्य रखे, उसके लिए आपका शुक्रिया। प्रणाम। शास्त्री, तो आता जानिता अर्थशास्त्री मिस्टर एमआर वेंकटेश, जेने अलग अलग मुद्दाओं पर अपने साथे खुलीने चर्चा करी। सरकार ने आर्थिक नीतियों अने सरकारे जे केटलाक बोल्ड स्टेप्स लीधा छे एना विषे अपने खुलीने वात करी। आवाज केटलाक महत्वना विषयों साथे फरी मळीशुं। नमस्कार।